लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी फिशर इंडोल सिंथेसिस जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आज हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे दी स्क्रब सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। कई के बार तो डायरेक्ट पूछ जाता है व्हाट इज स्क्रब सिंथेसिस, सम टाइम आपको दे दिया जाता है कि फॉर क्विनोलिन। ठीक है, वैसे भी आपकी चैप्टर में सिर्फ एक ही स्क्रब सिंथेसिस रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में हम एनिलीन लेंगे और ग्लिसरल लेंगे और नाइट्रोबेंजीन लेंगे। इन तीनों कंपाउंड को जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तब हमारे पास क्विनोलिन फॉर्म हो जाएगा। क्विनोलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में माइनर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वाटर भी हो जाएगा, साथ में नाइट्रोबेंजीन भी, तो अमोनिया सॉरी NH2। तो ये आपके माइनर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा काम ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट के साथ होता है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्विनोलिन फॉर्म हो जाएगा इन दिस स्क्रब सिंथेसिस। जब एनिलीन को ग्लिसरॉल से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करेंगे, हमारे पास क्विनोलिन बनेगा प्लस वाटर प्लस एनिलीन निकल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट क्विनोलिन फॉर्म हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म में थ्री स्टेप्स होंगे। स्टेप वन, फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरल बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लिसरल लेंगे जब आप इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे, 2 moles ऑफ वाटर निकल जाएगा, हमारे पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेट कंपाउंड। और इस कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम है आपको याद होना चाहिए, दैट इज एक्रोलीन। देन तो ये एक्रोलीन है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसको आप कई की बुक्स में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी है, क्योंकि एल्डिहाइड फॉर्म है ना CH डबल बॉन्ड O, ये इसको आप एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये एक तरह से एल्डिहाइड भी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो जाता है, तो दैट इज एक्रोलीन फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप देखेंगे, वन फॉर एडिशन ऑफ एनिलीन इंटू एक्रोलीन, वन फॉर एडिशन होगी, देखेंगे कैसे होती है। अब आता है एनिलीन लेंगे और साथ में ये जो आपके पास एक्रोलीन फॉर्मेशन हुई है, देखो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास आएगा देन जब ये बॉन्ड इधर को फॉर्मेशन होगी तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। ये आपको मैंने फर्स्ट मैकेनिज्म में बताया था कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड देयर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, देखेंगे। अब आपका रिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिंग फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, नहीं रिंग क्लीवर से पहले एक और स्टेप होगा। आपने इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया है, तो एच पॉजिटिव कहीं ना कहीं होगा, या ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एच पॉजिटिव को अटैक करेंगे, तो हमारे पास आएगा
OH और पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में रिंग क्लीवेज होगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, सी का एक बॉन्ड इससे बना, हाइड्रोजन एज इट इज एंड OH एज इट इज। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी है, अब ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाएगा और हमारे पास -H पॉजिटिव निकल जाएगा, जो हमने ऐड किया वही निकलेगा। देखो कार्बन हाइड्रोजन OH एंड H CH2 को मैंने CHH लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे ये वाला वाटर निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास होगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH, और इसी को ही आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक डैट। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्विनोलिन एक तरह से बन चुका है, पर यहाँ पे बॉन्ड नहीं आया, तो इसका नाम क्या होगा, 1,2,1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलिन। क्विनोलिन है पर इसके पास यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट आएगा फाइनल स्टेप, स्टेप 3। देखो अब हमने देखो जो जो कंपाउंड ऐड किया उन सभी का यूज़ हो चुका, पर एक कंपाउंड का यूज़ नहीं हुआ है। हमने देखो एनिलीन का यूज़ हो गया, ग्लिसरल का यूज़ हो गया, पर इसका नाइट्रोबेंजीन का यूज़ नहीं है। इसका हम नाइट्रोबेंजीन का यूज़ करेंगे। रोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, दिस इज 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन। में जब हम नाइट्रोबेंजीन डालेंगे तब क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस एनिलीन फॉर्म हो जाएगा और वाटर भी निकलेगा यहाँ पे, तो ये क्विनोलिन फॉर्मेशन हो चुकी है। तो दिस इज अवर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप सिंथेसिस। मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंथी है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म और लेंथी भी है। इस मैकेनिज्म को बार बार ट्राई करें। 3 स्टेप है, पहला डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरल होगा, जो ग्लिसरल लेंगे हम उसको, हम डिहाइड्रेशन होगी उसमें से वाटर निकलेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कह सकते हैं, दैट इज एक्रोलिन जिसका नाम। अब नेक्स्ट स्टेप में 1,4 एडिशन ऑफ एनिलीन इनटू एक्रोलिन, एनिलीन को हम एक्रोलिन में ऐड करेंगे, रिएक्शन हो गई। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कंपाउंड बना 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन। अब नेक्स्ट स्टेप है इस हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसके हेल्प से हम क्विनोलिन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्क्रब सिंथेसिस। थैंक यू।